क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई अंग्रेजी अफसर था जो कहता था, आई लव इंडिया अ लिटिल मोर देन माई ओन कंट्री। वो गवर्नर जनरल जो एक छोटी सी पोजीशन क्लर्क के पद से खुद को साबित करते करते कंपनी के हेड पोजीशन गवर्नर जनरल की पोस्ट तक पहुंच गया। वो गवर्नर जनरल जिनके कामों से ही साफ जाहिर होता था उनका भारत के प्रति प्यार। वो गवर्नर जनरल जिसने ब्रिटिश हुकूमत में रहते हुए भी इंडियंस के दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक एक्सेप्शनल गवर्नर जनरल यानी वॉरेन हेस्टिंग्स की। वही वॉरेन हेस्टिंग्स जिन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इट वॉज ड्यूरिंग हिज टेन्योर व्हेन कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड दैट लेड टू रीबर्थ ऑफ क्लासिकल हिंदू कल्चर। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि वो इंडिया और इंडियन से जमीनी रूप से इसलिए जुड़ पाए थे क्योंकि वह भारतीय मूल की दो भाषाएं बांग्ला और उर्दू जानते थे और साथ ही उनको पर्शियन भाषा भी आती थी जो कि मुगल दरबार में बोली जाती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत स्कूल की स्थापना की और कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। आइए नजर डालते हैं ऑन वेरियस थिंग्स ही डिड फॉर इंडिया। भागवत गीता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉरेन हेस्टिंग्स के टेनर में हुआ था और साथ ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही पहले अंग्रेजी भाषाई भागवत गीता का इंट्रोडक्शन पेज भी लिखा था। रिलीजियस कोडिफिकेशन को इन्हीं के टेनर में शुरू किया गया क्योंकि इनका मानना था कि धर्म कभी भी देश या उसके संविधान से ऊपर नहीं होना चाहिए ताकि धर्म से फैले किसी भी तरह के अंधविश्वास को खत्म किया जा सके। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में भी कई बड़े अच्छे और हिस्टोरिक बदलाव किए। ये बदलाव खास करके भारतीयों को जमींदारों के शोषण से बचाने के लिए किए गए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये बदलाव करने के लिए दो न्यायालय की स्थापना की थी, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। इन न्यायालयों में खास बात ये थी कि जो क्रिमिनल न्यायालय था उसके जज एक भारतीय अफसर थे और सिविल कोर्ट के जज थे एक कलेक्टर। साथ ही भारत की शिक्षा में और भारत के संवैधानिक प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करते हुए, एक बड़ी नींव रखते हुए उन्होंने सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत की। इंडिया में आज भी सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी की प्रणाली सक्रिय है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीयों का सम्मान करते हुए एक भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया जिसका काम था इंडियंस के टोटल खर्चे किराए की देखरेख करना, जिसे रे रयान कहा जाता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्राइवेट ट्रेड पर जो टैक्स लगते थे उन्हें हटा दिया था। इंडियन ओरिजिन के ट्रेडर्स के हक में काम करते हुए उन्होंने टैक्स में कई बदलाव किए। भारतीयों से जो टैक्स 70-80% पर लिया जाता था उसे कम करते हुए उन्होंने टैक्स को 20-25% पर ला दिया। उन्होंने इंडियन ओरिजिन के गरीब नागरिकों की सिक्योरिटी को देखते हुए एक ऐसा नियम लागू किया था जिसमें यह था कि अगर कर्जदार को कर्ज देने वाले के घर ले जाया जाता है तो उनसे किसी तरह की मारपीट या दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। जब वो कोलकाता काउंसिल के मेंबर रहे तो उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करने वाले ऑफिसर्स को भी रोका, भले ही उसी की वजह से उन्होंने अपनी नौकरी तक खो दी थी और उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। दी अननोन भारत का पर्दा खुला तो पर्दा उठा एक ऐसे अंग्रेजी अफसर की लाइफ से जो इंडिया से बहुत प्यार करते थे। अब के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर आएंगे ऐसे ही किसी अनसुनी कहानी के साथ। Thank you.